हेलो इंजीनियर्स, तो आज आपके लिए है बहुत ही बढ़िया एक गैजेट जो होगा एक चश्मा के जरिए कोई भी मैसेज आप भेज सकते हैं। मतलब जो लोग बात नहीं कर सकता उनके लिए बहुत ही इजी एक प्रोजेक्ट है। जैसे कि स्टीफन हॉकिंग जो बात करता था उसी सिस्टम से इसको बनाया है। इसके जो प्रोजेक्ट है इसको मॉर्स कोड के जरिए इसका मैसेज भेज सकते हैं। तो ये किस प्रकार से बेचते हैं, किस प्रकार से इसको बनाया है, सब कुछ आज आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय ltm.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिया हुआ लिंक पे क्लिक करें। तो अभी जो आपने प्रोजेक्ट देखा है इसको बनाने से पहले हम लोगों को कुछ समझना होगा किस प्रकार से इसके अंदर हमने प्रोग्रामिंग डाल दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक आर्डिनो लगाया है, एक आयर सेंडर और आयर रिसीवर लगाया है और ये जो डिस्प्ले पे जो दिखाएगा। तो जब भी कोई कोडिंग इस पे जाएगा, मतलब आयर सेंडर आयर रिसीवर पे कोई कोडिंग जाएगा तो ये आर्डिनो मेजरमेंट करके इसको आउटपुट दे देगा। तो यहाँ पे न्यू SMS लिखा आ रहा है। ठीक है, तो नीचे की तरफ कोई SMS नहीं है अभी। तो जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले पे जो कि मॉर्स कोड इस प्रकार से होते हैं। तो मॉर्स कोड मान लीजिए ए को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो एक बटन होना होगा उसके बाद बटन को थोड़ा टाइम लगेगा उसको छोड़ना होगा। तो इस प्रकार से ये काम करते हैं। जैसे कि बी लिखेंगे तो टाइम ज्यादा होगा पहले, उसके बाद बटन बटन बटन। तो बटन क्या है, बटन एक्चुअली टाइम कम है और लंबा जो माइनस है वो टाइम ज्यादा है। तो अभी आपको समझने में आसानी होगा, अभी दिखाएंगे। तो अभी देखिए इसके सामने जब भी अभी मैं इस पर ए लिखूंगा, ए लिखने के लिए देखिए मॉर्स कोड पे क्या आ रहा है, एक बटन होगा उसके बाद लॉन्ग टाइम एक बटन होगा। तो अभी देखिए एक बटन उसके बाद लॉन्ग टाइम एक बटन, तो अभी देखिए ए आ गया है। तो अभी हम लोग इसको एन लिखेंगे, मतलब ए को छोड़ देंगे उसके बाद एन लिखेंगे। एन को देखिए बिल्कुल उल्टा है, पहले लंबा टाइम उसके बाद बटन। तो देखिए लंबा टाइम रखेंगे उसके बाद बटन, तो अभी देखिए एन आ गया है। इस प्रकार से हम लोग इसका मॉर्स कोड को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके आंखें के पलके के जरिए हम लोग इसको काम करेंगे। तो अभी चलिए उस प्रोजेक्ट को बनाते हैं जो पहले हमने देखा था, उसी प्रोजेक्ट को बना के देखते हैं। तो ये जो डिस्प्ले है इसको तो बना दिया है, इसके अंदर ब्लूटूथ हमने फिट कर दिया है, एक जो ये आर्डिनो है आर्डिनो को इस पर फिट कर दिया है जिसके मदद से जो मैसेज हम लोग भेजेंगे वो मैसेज इस पर आ जाएगा। ठीक है, ब्लूटूथ का रेंज जितना होगा उतना रेंज का ये आउटपुट देगा। तो अभी हम लोग इसका जो इनपुट है मतलब जो चश्मा है उसको हम लोग बनाएंगे, बनाने के बाद इसको टेस्ट करेंगे। तो चलिए अभी चश्मा को बनाते हैं। Thank you.
भी देख सकते हैं चश्मा भी रेडी हो गया है। चश्मा पे क्या लगाया है वो देखिए। पहले इस पर एक जो आयर सेंसर और आयर रिसीवर जो है वो हमने इस पे लगा दिया है, जो एक सर्किट में अलग से फिट हुआ है। आप चाहे तो चश्मा के नीचे भी फिट कर सकते हैं, स्टीफन हॉकिंग का जो चश्मा है उसी तरह आप नीचे फिट कर सकते हैं। तो मैंने चश्मा के अंदर फिट कर दिया है इसको होल करके। और यहाँ पे एक ब्लूटूथ है और एक जो कि 80 मेगा है। 80 मेगा के जरिए जो मॉर्स कोड इस पे रेडी होगा वो मॉर्स कोड का सिग्नल जो है इस पर भेजेगा। भेजने के बाद इस पर दिखाई देगा कौन सा हमने अल्फाबेट भेजा है वो इस पे आ जाएगा। तो अभी चलिए इसको टेस्ट करके हम लोग देखते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं इसको हमने पहन लिया है। तो अभी जो मॉर्स कोड है आप देख सकते हैं मॉर्स कोड किस प्रकार से होते हैं। तो मॉर्स कोड ए जो है वो अगर लिखेंगे तो एक डॉट होगा और एक लंबा डॉट होगा। मतलब मैं जब भी ए लिखूंगा तो जो आंखें का पलके है वो एक बार डॉट करके करूंगा, उसके बाद ज़्यादा देर करके रखूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग टेस्ट करते हैं। तो अभी देख सकते हैं इस पर ए आ गया है। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखा आपने के आ गया है इस पर। तो इस प्रकार से आप कोई भी लैंग्वेज इस पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अभी मान लीजिए आई लिखूंगा, तो आई लिखने के लिए जो जो जरूरत है दो डॉट का जरूरत है, तो दो डॉट मैं इस पर दे दूंगा। तो देखा आपने अभी आई आ गया है। इस प्रकार से आप कोई भी जो अल्फाबेट इस पर लिख सकते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से एक चश्मा के जरिए हम लोग बात कर सकते हैं, कोई भी मैसेज भेज सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।